सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये खबर आ रही है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से, जहां पर जो है आपके प्रमोशन के लिए बहुत ही बड़ी खबर जो है आज की डेट में सामने निकल कर आई है। क्या है पूरी खबर जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा वाला बटन दबा दीजिए, ताकि इस यूनिवर्सिटी से आने वाली हर खबर आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, गोरखपुर से एक खबर जो है निकल के आई है, कई विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षा न कराए और विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने के फैसले ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की बेचैनी बढ़ा दी है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके विश्वविद्यालय की परीक्षाएं इस वर्ष नहीं होंगी, क्योंकि परिस्थितियां बीते वर्ष से भी बदतर हैं। बीते वर्ष UGC ने विद्यार्थियों को प्रमोट किए जाने का निर्णय लिया था और इसे लेकर विश्वविद्यालय को बाकायदा निर्देशित किया गया था। इस वर्ष उसने भी यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन पर छोड़ दिया। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर जो ये लाइन है इसका जो है क्लियर आपको बता दूँ कि UGC ने कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया है कि विश्वविद्यालय जो है प्रमोट पर कर सकेंगे। दोस्तों, अगर UGC नहीं चाहेगा तो अभी भी जो है आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे, तो आप इतना इंतज़ार करिए कि UGC का निर्णय जल्द से जल्द आ जाए। दोस्तों, ऐसे में विद्यार्थी अपने विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर जो है जल्द निर्णय की डिमांड कर रहे हैं, ताकि उनका असमंजस दूर हो सके और भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकें। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको मैं बता दूँ, 20 जून, ये डेट आपको याद रखनी है। 20 जून के बाद आपकी परीक्षा होंगी। 20 जून के पहले आपको कुछ नहीं पता लगेगा, आप प्रमोट होंगे या फिर आपको पेपर देना पड़ेगा। दोस्तों, 20 जून के बाद जो है आपको ये पता लग जाएगा कि आप प्रमोट होंगे या पेपर होंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे 20 जून के बाद ये पक्का कैसे पता चलेगा कि हम प्रमोट होंगे या फिर पेपर देना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूँ, अगर कोविड केसेस जो है बढ़ें या ना बढ़ें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोविड केसेस की जो है डेथ रेट यानी कि जो मृत्यु दर है, अगर उसमें जो है डाउनफॉल आता है तो जो है आपको जो है पेपर देने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसमें जो है अपवर्ड्स जाता है, यानी अगर 100 मान लीजिए आप लोग 100 लोग जो है कोविड पॉजिटिव हैं, जिसमें से अगर 10 लोगों की डेथ हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए आपकी परीक्षा रद्द होगी। फिर चाहे आपकी परीक्षा अगस्त में रद्द हो या मई में रद्द हो या फिर सितंबर में रद्द हो, रद्द होनी ही होनी है। प्रमोशन से जो है आपको मिलेगा, फिर फर्स्ट ईयर के हों आप या सेकेंड ईयर के हों या थर्ड ईयर के हों। लेकिन अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, मई जून जुलाई। अगर आपके पास मई और जून और जुलाई, अगर मई जून जुलाई इन 3 महीने में आपकी जो है कोविड जो है रिकवरी हो जाती है और सब टीकाकरण जो है शुद्ध हो जाता है, तो आपको अगस्त में पेपर देने पड़ सकते हैं। बस इतना ही जो है आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये चीज़ जो है 20 जून से पहले नहीं पता लगेगी कि आपको कौन कौन से लोग जो है प्रमोट होंगे और कौन कौन से लोग जो है वो पेपर देंगे। दोस्तों, इस जानकारी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो है आपको जो है यूनिवर्सिटी से आने वाली हर खबर आपके मोबाइल पर मिल जाए। धन्यवाद।